हमीरपुर में फर्जी प्रेस कार्ड का फर्जीवाड़ा सामने आया है और मात्र 20 रुपए में फर्जी प्रेस क्लब के कार्ड को बेचा गया है। मामला उस समय सामने आया जब सोशल मीडिया पर फर्जी प्रेस कार्ड को वायरल किया गया, जिस पर हमीरपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों ने कड़ा रुख अपनाते हुए एएसपी को शिकायत सौंपी है। इस मामले में प्रेस क्लब सदस्यों ने प्रेस कार्ड जारी करने के साथ साथ कार्ड धारक पर भी उचित कार्रवाई करने की मांग की है। हमीरपुर में प्रेस क्लब के जाली एडमिट कार्ड बनाने के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस संदर्भ में प्रेस क्लब अध्यक्ष दिनेश कंवर के नेतृत्व में प्रस्ताव हमीरपुर का एक प्रतिनिधि मंडल अधीक्षक से मिला तथा अपनी शिकायत दर्ज करवाई। हमीरपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष दिनेश कंवर का कहना है कि हमीरपुर प्रेस क्लब के फर्जी प्रेस कार्ड का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत पुलिस में की गई है ताकि ऐसे लोगों पर लगाम कसी जा सके। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्ड लेकर कुछ लोग पुलिस और समाज में भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं, जिससे सही पत्रकारों की छवि भी आहत हो रही है। हमीरपुर में कुछ लोगों के पास जाली या फर्जी प्रेस क्लब हमीरपुर के आई कार्ड लेके गए हैं, जिनको लेकर हमने जिस मुद्दे को लेकर हमने आज एसपी साहब से बात की है कि इस तरह के जो फर्जी कार्ड होल्डर हैं उनके ऊपर लगाम कसी जाए और प्रेस का मिसयूज करने वालों के ऊपर भी लगाम लगाई जाए। ये भी जानकारी आई है कि इस तरह के कार्ड लेकर लोग पुलिस ही नहीं बल्कि आम लोगों को और समाज में भी एक भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं, जिससे पत्रकार जो सही मायने में वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनकी छवि भी जो है उसमें उसको आहत हो रही है। तो हमारा ये आग्रह है जिला प्रशासन से भी और पुलिस प्रशासन से भी कि इस तरह की जो प्रवृत्ति चल रही है, फर्जी कार्ड इस तरह से लेकर लोग जो घूम रहे हैं उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ठाकुर रघुवीर सिंह ने पत्रकारों के शिष्टमंडल को आश्वासन दिया है कि पुलिस प्रशासन फर्जी पत्रकारों पर नकेल कसेगी तथा कड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले में कार्ड जारी करने वालों और कार्ड लेकर घूमने वालों के ऊपर कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि इस तरह प्रेस के कार्ड का फर्जी तरीके से जारी किए जाने पर इसके दुरुपयोग किया जा रहा है। साथ ही जिला में फर्जी प्रेस कार्ड बनाकर बेचने पर प्रेस क्लब के सभी सदस्य भी आश्चर्यजनक है, क्योंकि उत्तक प्रेस क्लब ने पिछले 2 सालों से कार्ड का नवीनीकरण ही नहीं किया है। यहाँ आए थे और उन्होंने एक कुछ चीजों के ऊपर अपनी बात रखी कि कुछ लोग हैं जो प्रेस क्लब हमीरपुर के नाम से गलत तरीके से आइडेंटिटी कार्ड जारी करके उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेस का स्टिकर लगा के गाड़ियों में घूमते हैं और हो सकता है कि वो प्रेस का नाम लेके उसमें कोई गैर कानूनी कामों में उसे लिप्त हों, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध हम इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे और ऐसी गाड़ियों की पूरी छानबीन की जाएगी और ऐसे लोग अगर कोई मिलते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।